नमस्कार, रमाश्री की डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज हम वेज पकौड़े बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए। तो हमने कुछ हरी सब्जियां ली हैं, सब्जी आप अपने मन पसंद ले सकते हैं। एक गाजर, एक टुकड़ा पत्ता गोभी, दो मीडियम साइज की उबली हुई आलू लिए हमने, आप कच्ची आलू भी ले सकते हैं, एक शिमला मिर्च और एक प्याज। इन सबको मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है या फिर आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। आलू को मैंने ग्रेट करके रखा है। और हमने मसाले में लिया है एक चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 3 से 4 पिंच हींग, अजवाइन आधा चम्मच, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। पानी आवश्यकता अनुसार लेंगे। 100 ग्राम मैंने बेसन लिया है। नमक हमें स्वाद अनुसार लेना है। 2 बड़े चम्मच हमने हरी धनिया लिया है। 2 बड़े चम्मच हमने मेथी लिए हैं। मेथी के पत्तों को मैंने काट कर और धो करके रख लिया है। 3 से 4 कलियां लहसुन का, एक हरी मिर्च और एक टुकड़ा अदरक का मैंने कूट करके रख लिया है। आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और इसके अंदर ये सारी सब्जियों को डाल देंगे और इसके अंदर मेथी के पत्ते डालेंगे। हरी धनिया के पत्ते, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और इसके अंदर ये सारे सूखे मसाले भी डाल देंगे और इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है और अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। नमक डालने के बाद सब्जियों से जो पानी है वो निकलने लगेगा, तो हमें अच्छी तरीके से पहले मिला लेना है। फिर इसके अंदर हम बेसन को डालेंगे और अब हम इसके अंदर बेसन डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा बेसन करके हमें इसके अंदर डालना है। अच्छी तरीके से पहले हम सब्जियों में बेसन को मिला लेंगे, अगर पानी की आवश्यकता होगी तभी डालेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आलू मैंने उबली हुई डाली है, आप कच्ची भी डाल सकते हैं। उबली हुई आलू से इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाती है, तो मैंने उबली हुई आलू लिया है। थोड़ा सा बेसन और ले लेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। इस सब्जियों का पानी है जिसे मिश्रण हमारा तैयार हो चुका है। तो इसे हम डीप फ्राई करेंगे। तो डीप फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रखा है और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, जिसमें आप पकौड़े बनाते हैं ऑयल डाल सकते हैं। तो इसे हमें पहले अच्छी तरीके से गर्म होने देना है, अच्छी सी हीट हो जाएगी, फिर इसके अंदर हम पकौड़े तलेंगे। तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, अब मैंने आँच को मीडियम कर दिया है। तो अब हम इसके अंदर पकौड़े डालेंगे। तो छोटा या बड़ा जिस साइज को आपको डालना हो पकौड़े इसके अंदर डाल सकते हैं। एक मिनट तक पकौड़ों को हम एक साइड में तलने देंगे, फिर इसे हम पलट देंगे और पकौड़ों को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। पकौड़े हमारे अच्छी तरीके से तल गए हैं और इसका अच्छा सा कलर भी आ गया है और ये कुरकुरे भी हो गए हैं, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। इसे हम एक सूखी पेपर पर निकालेंगे। इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा इसके अंदर आ जाएगा और बाकी के पकौड़े भी हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये भी पकौड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और इसे भी हम निकाल लेते हैं और हमारे गर्मा गर्म वेज पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मैंने इसे हरी चटनी के साथ और केचप के साथ रखा है। आपको जो चटनी या फिर सॉस पसंद है उसके साथ आप इस पकौड़े को खा सकते हैं या फिर चाय के साथ खा सकते हैं। ये सभी के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये पकौड़े गर्मा गर्म खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने कमेंट हमें ज़रूर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।